क्या बात है भूमि, आज बड़ी खुश है? बात ही कुछ ऐसी है भाई साहब। अच्छा, हमें भी तो बताओ। वो भाई साहब, वो बात वो बात ये है कि अरे बता ना। चलाओ बैठ बैठ मेरे पास, बोल। भाई साहब वो क्या है ना, मैं आए हाय, शर्मा तो ऐसे रही है जैसे तेरी शादी की बात हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भाई साहब। अच्छा, क्या वासुदेव ने लड़का ढूंढ लिया? मैंने ढूंढा है। तभी मैं कहूँ इतनी लाली कैसे दिखाई दे रही है चेहरे पे। बता कौन है वो? सब बताऊंगी भाई साहब, एक बार लड़के से बात कर लूं। मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी, तुम हो ही ऐसी। बस तो अब शादी की तैयारियां शुरू। नहीं भाई साहब, एक बार सब लोग मान जाएं तब। सब लोग? लड़की के घर वाले। वो क्यों? तुझे लड़का पसंद है ना, तो बस बाकी मुझ पे छोड़ दो। सच? सच। ओ भाई साहब, बड़े नसीब वाले होंगे वो लोग जिन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिलेगी। बाबा, बाबा आपसे भूमिका के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? बाबा बात ही दरअसल कुछ परेशानी की है। क्या बात है बेटा? बाबा जितने जल्द से जल्द हो हमें भूमि की शादी करा देनी चाहिए। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये देख, देख इसे, वजह संग काफी अच्छा लड़का है, काफी पढ़ा लिखा है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है, अपनी भूमि राज करेगी। बाबा देखने में लड़का तो ठीक है, हमें जितनी जल्द से जल्द हो भूमि की शादी तय कर देनी चाहिए। बेटे बात कुछ और है, तुम्हें परेशानी में मैंने कभी नहीं देखा। क्या बात है मुझे बता। बाबा बाबा बात यह है कि हमारी भूमि, अरे बचपना नहीं प्यार है, प्यार करती हूँ मैं अर्जुन से, लेकिन मैं जान गई कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि आप अर्जुन से बात करें। बाबा बाबा बात कहीं दबाना होगा और आप चुप रहिए। समस्या गंभीर है केशव। वैसे मेरी बहन सुभद्रा अर्जुन को चाहती थी, पर बड़े भैया उसकी शादी दुर्योधन से करवाना चाहते थे, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल में डाल दिया भूमिका ने। अगर उसकी शादी कहीं और हो गई तो वो तो मुझे माफ ही नहीं करेगी। हाँ केशव, इसीलिए कम से कम एक बार अर्जुन की राय तो जान लो, शायद उसके बाद कोई रास्ता मिल जाए। अर्जुन के दिल की बात जाननी ही पड़ेगी मुझे। समस्या है तो गंभीर, पर उसका हल नामुमकिन नहीं। इस बात का पता अभी चल जाएगा कि अर्जुन भूमि को चाहता है या नहीं। हाय अर्जुन। हे केशव। हाय यार, बैठ। फाइनल बजटिंग। अर्जुन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। भूमि की शादी के बारे में।
भूमि की शादी, वाह ये तो बहुत खुशी की बात है यार। लेकिन भवरी ने बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसने मुझसे बात की अर्जुन। तुम्हारा क्या फैसला है? नहीं मैंने सोचा कि फैसला लेने से पहले तुम्हारी राय ले ली जाए। अरे क्या केशव, नेकी और पूछ पूछ, मेरी राय की क्या जरूरत है? भूमिका का फैसला है ना, तो सही होगा। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, एतराज क्यों होगा, बल्कि मुझे तो खुशी है। अच्छा भवरी ने तो लड़का देखा है ना? देखा है ना? और वासुदेव काका, उनका क्या कहना है? लड़का मेरे सामने है अर्जुन। नहीं समझा मैं। हैंडसम है, जोड़ी अच्छी रहेगी, भवरी के लिए अच्छा है। क्या नाम है इसका? वजेसन। वजेसन पूरा नाम क्या है? वजेसन भूलाराम तेली। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। पर अच्छा है, भवरी के लिए बहुत अच्छा है। मैं अभी उससे मिल के आता हूँ। ओके भूमि, मेरे ख्याल से मैंने सही फैसला किया है। अर्जुन तुम्हें नहीं चाहता। शादी ब्याह का मामला है भाई, और केशव का तो मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं ना, तुम्हारी तरह। वैसे अगर ये बात तुम मुझे खुद बताती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ऐसी बातें ऐसे थोड़ी ना होती है। तो कैसे की जाती है? मुझे शर्म आती है। अच्छा अब आपको शर्म आ रही है, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। वैसे लड़का पसंद है तुम्हें? हाँ, बेहद पसंद। सच मानो तो मन से तो मैं उसे अपना मान भी चुकी हूँ। तो फिर देर किस बात की? मैं अभी केशव से बात करता हूँ, एंड यू नो शादी ब्याह के मामले में देर नहीं करनी चाहिए। अरे अर्जुन रुको। अब क्या हुआ? अब ऐसी भी क्या जल्दबाजी है तुम्हें अर्जुन? पहले घर वालों को मनाना तो पड़ेगा ना, और तुम तो जानते हो आजकल कितना तनाव है इस घर में। अरे तुम उस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और ये मेरा वादा है कि घर का हर सदस्य तुम्हारी शादी में शामिल होगा। ओके एक प्रॉब्लम है। क्या? लड़के का नाम थोड़ा सा अजीब है ना? अब ऐसी क्या बुराई है, इतना अच्छा नाम तो है अर्जुन। आई मीन वजेसन भूलाराम तेली थोड़ा क्या? वजेसन भोला, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। बस... ये कौन है? अरे तुम्हारा वजेसन होने वाला पति। आई मीन सब ठीक है, खाली नाक में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़े से बाल है, खाना कम करना ही पड़ेगा। आंखें हैं थोड़े डार्क से जाना है, और बाल भैया ये क्या कर दिया आपने? मैंने वहां आपको अर्जुन से बात करने के लिए कहा था, और आपने क्यों? भूमि जो तुम सोच रही हो वो नहीं कर सकते। भूमि तुम्हें वो सोचना चाहिए जो तुम्हारी बस में हो, जहां तक तुम्हारी पहुंच हो। अरे जिस घर की तुम चौखट साफ करती हो उस पर कदम रखने की कोशिश मत करो। चांद तारे आसमान में अच्छे लगते, उन्हें उन्हें पाने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए इंसान को। लेकिन आप तो हर दिन उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऑफिस में साथ साथ काम करते हैं, जब वहां मालिक और नौकर में फर्क नहीं तो भूमि सिर्फ तुम प्यार करती हो अर्जुन से, वो प्यार नहीं करता तुमसे। और अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो जिस वक्त उसने वो फोटो देखी ना, तभी कह सकता था कि ये शादी नहीं हो सकती। ये प्यार एक तरफा है भूमि। समझ में आया तुम्हारी? भूमि, केशव सच कह रहा है।
अर्जुन मालिक है हम सबका। मालिक के शादी ब्याह में हम सिर्फ शरीक हो सकते हैं, मालिक के साथ शादी की बात कभी सोच ही नहीं सकते। जो आदमी बरसों से उस घर में नौकर की हैसियत से रहा हो, उसे वो लोग संभी का दर्जा कैसे देंगे? जो जगह शेफाली और मनस्वी को मिली है, वो जगह तुम्हें कैसे मिल सकती है? जब अर्जुन ही तुमसे प्यार नहीं करता, तो फिर ये संबंध संभव ही नहीं। कल ये लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, और देखने के बाद शादी ब्याह की तारीख पक्की होगी। तब तक इस बात को अपने अंदर छिपाकर गोयंका परिवार की और हमारी नमक हलाली तुम्हें निभानी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। भूमि, बेटे मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है। देखो बेटी, जब हमसे कोई अच्छी तरह से रिश्ता जाता है, तो उस रिश्ते की अहमियत जानना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा नसीब है कि मालिक होने के बावजूद भी अर्जुन ने तुम्हारे साथ कभी भी नौकर मालिक का रिश्ता नहीं रखा। तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है। बाबूजी, मेरे जो दिल में था तो आप जान ही चुके, और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी हैसियत क्या है। पर क्या करूँ? अपने आप को रोक नहीं पाया। जज्बात में बह जाना बहुत आसान है भूमिका। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस रिश्ते के बारे में तुम सोच रही हो, वो मुमकिन नहीं है। यही वक्त है दिल पर पत्थर रखकर फैसला करने का। अगर जज्बात को दबाकर दिमाग से सोचोगी तो फैसला आसान हो जाएगा। दिमाग को भी समझाना मुमकिन नहीं है बाबूजी। मैं अर्जुन को कभी नहीं भुला सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।